ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवित्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् अमृतद्रवसंयुतम् भागवतं रसमालयं मुहुरुः विवत भागवतं रसमालयं मुहुरुः भुवि भावुका रसिका भुवि भावुकाः गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय लक्ष्मी की जय जय नारायण की जय जय लक्ष्मी की जय जय नारायण की जय जय सीता की जय जय रामा की जय जय सीता की जय जय रामा की जय जय राधा की जय जय कृष्णा की जय जय राधा की जय जय कृष्णा की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय पार्वती की जय जय शंकर की जय जय पार्वती की जय जय शंकर की जय जय काशीपते शिव शंकर की जय जय काशी
शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय विदुर बोल वृंदावन बिहारी लाल के भागवत महापुराण के जय वेद व्यास जी महाराज के जय गुरुदेव जी महाराज के जय दीक्षित जी महाराज के जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विदुर एवं मैत्रेयंकर संवाद रे विदुर प्रणाम कले अनेक प्रश्न पचारे प्रश्न जो कि एक यूनिवर्सल क्वेश्चन जो समस्त अच्छे मनुष्य सुख पाइबार उपाय कौन तापाई बड़ा सुंदर से कले मनुष्य सुख पाई कर्म करुचे देख ला बेल सुख मिलूनी दुख ही मिलूँ दुख रु दूर भी हो पार नहीं हाँ ठीक है सुख मिलनी मिलनी ताहले दुख पड़े जाओ ता भी ना दुख जाऊनी भी तो एणु ये सुख प्राप्ति करिवार उपाय कौन तापर डायरेक्ट जी भगवान को समर्पण करना केते दुर्भाग्य आई मान मुक्ति करने ही आप गुरु रूप में विचरण करेद व्यास जी आप सखा तापर भगवान विषय केमती सृष्टि कले भगवान भगवान को जो अवतार अवतार भगवान एसते प्रश्न पचारे तो अनेक जो प्रश्न अच्छी प्राय देख दुई नंबर श्लोक रु षोल नंबर श्लोक केवल प्रश्न ही था अवतार अलौकिक लीला मध्ये मु सुनिया पई चाहूची देखो विदुर को निजे मैत्रे कौन कहुचन तांको मुहर ही देखिबा कौन कहुचंदी साधु पृष्ठो तया साधो लोकान साधोन गृह्णया 18 नंबर रे कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनोधोक्ष जात्मनः रिले आपणकर जो प्रश्न ना बहुत ही उत्तम आपण जो प्रश्न पचार आपण नु मनुष्य पाई संसार पाई लोक मान एवं आपण जहां भी प्रश्न पचार आपणकर जोगु लोक धन्य हेबे एवं आपणकर मध्य सुजस लागिबो आपण किए कि वेद व्यास जी मोर बंधु मोर सखा तांकरे औरसर पुत्र आपण देखिया बोले आपण तो धर्मराज मांडव्य सापाद भगवान प्रजा संयमन यमह आपण तो संयमन यमह आपण जमराज निजे मांडव ऋषिंकर अभिशापरे आपण विदुर हिचंदे विचित्र वीर भोग पत्नी दासी दासी माने विचित्र वीर तीनोटी दीटी पत्नी थे अंबिका अंबालिका अंबिका गले धृतराष्ट्र अंबालिका गले पांडु दिजन जग आउ थरे जीवा कथा गले नहीं दासी को पठे दले से दासी ही ग्रहण करथले एवं जहां विदुर हेथले तो आपनो धर्मर अवतार आपण सर्वदा भगवान और भक्त प्रिय आपण भवान भगवतो नित्यं सम्मत सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशत भगवान ब्रजन आपण को लीला क्रमश जोटा भगवान को विचित्र आपण को कहुची आपण को ज्ञान देवा पाई निजे मते भगवान कहिसन तमन आपण केते उत्तम अधिकारी से जो ज्ञान टा मु प्राप्त करी मत कही कि विदुर को कह तेणु तो आपण जो श्रेष्ठ भक्त भगवान को प्रमाण हो मान भगवान निजे प्लानिंग कर कौन ज्ञान मिलो ताहले मु निश्चय ही
प्रारंभ करुचे से ज्ञान आज्ञा बर्तमान जो प्रश्न हो ए उत्तर हो पूरा वेदांत। बहुत लोग कहते ये जो भागवत ना ये कहानी किसी लोग पचारे मु तो पचार पचार बंद करदे दरकार ना कारण आम शास्त्र अच्छी अधिकारी से रही है निजक निजे सब घर में भावुन ना क्या आम गीता शुणुलु गीता पर जो भागवत ना ये कहानी जाक से शुणु किंतु जदि आम बर्तमान टॉपिक आस ना पूरा उपनिषद सार तेणु जो मैंने जो मान को ज्ञान विचार पसंद छाड़ से कौन पे शुणुंत कौन पर शुणुना कारण आज्ञा सात्विक अधिकारी ही कंटिन्यूटी कर पारे कंटिन्यूटी माने सातत्यता सातत्यता समस्त वश ना गोटे मन रखता नंबर वन साधना कंटिन्यू करिबा एटा समस्तंक द्वारा हेई पारे नाही ए पॉइंट को पूरा इथा बाड़े के जेमती बा पूरा जोर रे जानी थांत समस्ते करि पारंती नाही जो माने कंटिन्यू करचन जानंत जाहु टिके सात्विकता रहिचि आ जो माने करि पारु नाहंती जानंत समानंक भितरे सात्विकता रही पारु नाही। तृतीयतः भगवान को प्रति भक्ति थिले भगवान को प्रति भावना थिले ज्ञान प्राप्त करने इच्छा थिले ऑटोमेटिक सुनने इच्छा ये हो सेकंड पॉइंट श्रद्धा भगवान प्रति श्रद्धा शास्त्र प्रति श्रद्धा गुरु प्रति श्रद्धा जदि अच्छी जहां सपोज जड़े गुरु मान ला क्या मो गुरु कौच अपन देखिए निजे ही एग्जांपल कह स्वामी प्रज्ञानंद जी जिते भी बुलंती ओडिशा रे आज्ञा पचीस तीस टा फॉरेनर लोक पूरा व्हाइट व्हाइट फॉरेनर लोक थांदे किए वीडियो करचंदे किए मु आश्चर्य हुए स्वामी जी ओडिया रे प्रवचन दौचन से ओडिया किछि ले बुझि पार नहांदे तथापि पूरा आ करके सुनचंदे जिते टिके जोक हो स्वामी जाउथरे बाध्य टिके इंग्लिश रे कहि दौचन एटा कोन पे हेजी कारण गुरु को प्रति श्रद्धा बस गुरु जहा कहते आम बस कि शुणबु सी आम बुझू कि न बुझु मत लगे कि ओडिया मत बुझे आपको कहते श्रद्धा जदि गुरु को पसंद कले सी जो कर भल लगे कथा कहते भागवत कर गीता करवेक चुड़ामणि कर उपनिषद कहते केवल जस्ट गोटे सत्संग कर भल लगे तो एणु विदुर को प्रशंसा बहुत कर मैत्रेय कि आप भाग्यवान मुझे पूरा बर्तमान वेदांत आसला कौन गोटे गोटे श्लोक को लेकिन जीवे बहुत लोग जो मैंने इंटरेस्ट थे कि वेदांत उपनिषद ज्ञान उपरूर मजा आस लगे कौन से देखो उपनिषद ज्ञान टा कौठ आरंभ हो चौबीस रु आरंभ हो चौबीस नंबर सवा एष तदा दृष्टा न पश्यत् दृश्यम् एकराट् मेने संत मित्रात्मानम् सुप्त शक्ति रसुप्त दृक् अर्थात सृष्टिर प्रारंभरे सृष्टिर पूर्वरु समस्त आत्मार आत्मा केवल जड़े ही परमात्मा थिले सी ना द्रष्टा थिले ना दृश्य थिले दृश्य ताकु कहंती जो देखा जाए द्रष्टा ताकु कहंती जहाकु देखंती दृक कहंता दृक दृश्य विवेक दृश्य थिले सिना द्रष्टा हो यदि दृश्य नहीं तो द्रष्टा कौन हो तो एणु परमात्मा भगवान परमात्मा केवल एक थिले सदैव सौम्य इदमग्र आसित उपनिषद वाक्य देख उपनिषद वाक्य के जोड़ सवाएश तदा दृष्टा न अपश्यत् दृश्यम् एकराट अर्थात परमात्मा जोने ही थिले
भगवान पूर्व श्लोक 23 नंबर भगवान एक आसेदम अग्रे जो मन पाकर बही अच्छे प्लीज पंचम अध्याय तृतीय स्कंदर 23 नंबर श्लोक 23 एमते डिटेल मु पर्टिकुलर कोई दो छी 23 बाहर करन भगवान एक आसेदम भगवान ही थिले आके न थिले भगवान एक आसेदम उपनिषद कौन कहो छी सद एक इव अग्रे आसित सत ही थिले एवं एटा हो छांदोग्य उपनिषद रह छी एबे जस्ट जने मा एसएमएस देथिले स्वामी जी उपनिषद क्लास से सुनु थांदी बोल नहीं आरंभ हो 9 तारीख रु 13 तारीख पर्यंत तैत्र उपनिषद रो भृगु बळी पंचकोश विवेक प्रकरण प्रारंभ हो 9-13 14-15 अन्य सब सुंदरकांड पाठ एवं गायत्री हवन आदि सब फिर तापर गीता तापर भागवत ये सब प्रारंभ हो तेनो उपनिषद ऐत्र उपनिषद गोटा अच्छे तैत्र चलछे तो ऐत्र उपनिषद अच्छे ऐत्र उपनिषद रे मध्ये कोन कहउछन्ति कोन आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् छांदोग्य उपनिषद सत एव इदमग्र आसीत् परमात्मा प्रथमे केवल सत ही सत थिले सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् एटे कौन कहउछन्ति आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत् अग्रे प्रथमे सृष्टि पूर्वर आत्मा एक एव एक ही आत्मा दिदित आत्मा नुह एवं एव माने से ही आउ किछ न थिला सृष्टि न थिला जगत न थिला किछ न थिला केवल आत्मा ही आत्मा डेंसिटी सांद्रता नान्यत किंचत इशत आउट ये क्लियर करे अपन को जे नान्यत किंचतम इशत आउ किछ ले न थिला भगवान एक आसित इदमग्र आत्मा विभुहु इते इंटरेस्टिंग ना से परमात्मा केवल जणे ही थिले इदमग्र आसित से परमात्मा कौन ना दृष्टा थिले ना दृश्य थिले यस्य ज्ञानोपदेशाय सृष्टिकाल अनेक वृत्तियों भेद से जो अनेकता दिखाई देते है ना वो भी वही थे क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी प्रथमे से अकेला थिले तंकर ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति रो माया तंकर अनिर्वचनीय शक्ति माया प्रकृति पर संबंध से अनेक है गले सीए ही अनेक हो जाए यस्य ज्ञानोपदेशाय य अदिशत भगवान ब्रजन इच्छा कले अथते सवायेश तदा दृष्टो न अपनश्यत से ही दृष्टा देखिया को लगले कि तंग कौन से दृश्य नहीं कारण सी अद्वितीय एकमात्र सवायेश तदा दृष्टा न अपश्यत दृश्यम एकराट मेने असंतम इव आत्मानम तापर सी अवस्था में से भाविले कि मु निजे किछ हेइ जाओ असत माने एटा अव्यक्त मु अव्यक्त रूप रे अछि वर्तमान तंकर जो माया शक्ति सुई थिले से सुप्त शक्ति असुप्त द्रक से सुई पड़थिले किंतु ज्ञान रो लोप ही नथिला तंकर ज्ञान थिला कारण से सत स्वरूप देखो तो परमात्मा सृष्टि कले निजरो ही सब कले किंतु प्रश्न हो परमात्मा जे तर सृष्टि कले से समस्त सृष्टि कले ना ज्ञानो को भी सृष्टि कले के विचार करूंगा ज्ञानो को सृष्टि कले के माने ना तुम हो नहीं को ज्ञानो को जे सृष्टि कले हो
जदि ज्ञान को सृष्टि कले हाँ तमाने ईश्वर सृष्टि करने पूर्व ज्ञान नथिला हाँ आप वाक्य कहते अच्छा ईश्वर माने भगवान ज्ञान सृष्टि करने पूर्व ज्ञान नथिला ना हाँ ठीक लगुच अच्छा जदि आउ टे बड़ा सांघातिक शब्द जदि ईश्वर पाखे ज्ञान नथिला ताले ईश्वर अज्ञानी थिले हाँ एमती के जदि ईश्वर अज्ञानी थिले ताले सृष्टि कले केमती कारण ज्ञानी लोक ही सृष्टि कर जदि अटा रु रुटी तैयारी कर समस्त जानते कि ऑल इन अ सडन वर्षा हो बढ़िया मजा लगुच पटियाला सारा राती वर्षा दिन वर्षा इच्छा हो कौन किसी ना बेसन ना तो जी जानी सी कौन कर अटा को लेकिन चीनी को लेकिन कौन गोटे कर छाणी देकर गोटे खुआईदेव नुआ जिन खाओ सब दिन तो रुटी खाऊ ना रुटी खाऊ पूरी खाऊ आज गोटे नुआ खजा टे दौ अटार गोटे खजा टे सी जानी तेज जाला न जानी हवन से ईश्वर जदि ज्ञान को सृष्टि कले पूर्व ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे ना ज्ञानी थे जदि ज्ञानी थे फिर सृष्टि ज्ञान कल कर आवश्यक कौन कारण ज्ञान तो पाखे थी जोटा ना सीना सृष्टि करे मुश्किल कथा बुझे कारण से खजा टा ना से सृष्टि कला ना बर्षा दिन में बर्षा हो चल खुआ स्वामीजी खुआवा चल देवा जदि पाखे ज्ञान नीपर कौन है आज्ञा से रुटी से पूरी से दिल आपको ताने कौन परमात्मा जदि कह ज्ञान थिला ताले ज्ञान रो आवश्यक ना जदि अज्ञान थिला ताले ज्ञान करि परिबेनी ताले कौन ज्ञान को सृष्टि कर ज्ञान स्वरूप थिले एटा को बुझिया पे शब्द देखंतु 23 नंबर रे 21 नंबर 24 नंबर टा सुप्त शक्ति ही असुप्त दृक ए असुप्त दृक को बुझिया पई एटा छ दृक माने दृष्टा दृष्टा किंतु सोई नथिले दृष्टा किंतु असुप्त दृष्टार ज्ञान किंतु थिला दृष्टार ज्ञान नष्ट हे नथिला दृष्टार अज्ञान सुप्त हे नथिला दृष्टा ज्ञान स्वरूप थिले अर्थात परमात्मा ज्ञान स्वरूप ईश्वर ज्ञान स्वरूप ज्ञान को सृष्टि करिनांती वरम तु ज्ञान स्वरूप परमात्मा इति बुझिया पे असुप्त दृक सवायतस्य संद्रष्टः शक्ति सदा सदात्मिका माया नाम महाभाग येदं निर्ममे विभुः दृष्टा और दृश्य अनुसंधान करिवार शक्ति कार कार्य कारण रूपय माया माया ही दृष्टा और दृश्य करे दोची माया ही कार्य कारण करे दोची माया भीतर ही अनेक शक्ति अच्छी सत्व गुण रजगुण तमोगुण इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति सुमोहिनी माया स्वजन मोहिनी माया विमुख जन मोहिनी माया अल्लाहदीन शक्ति संबित शक्ति आदि सब अनेक शक्ति रही तेणु से जो माया द्वारा भगवान कौन कले भाव अभाव रूप अनिर्वचनीय सत माने भाव असत माने अभाव तो सत और असत भाव अभाव रूप अनिर्वचनीय माया द्वारा ही भगवान विश्व को तैयारी करेदम निर्ममे विभु विभु परमात्मा भगवान तैयारी कर अनिर्वचनीय शक्ति ना सांग ना अनांग ना अच्छी ना नाही ना सत ना असत ना सन्ना ना असन्न विवेक चुड़ावण माया विषय कहते माया रही भी माया है नहीं माया नहीं भी कह हमने तेना सत
असत आत्मिका शक्ति ही से जो माया फिर कौन कले काल शक्ति रो त्रिगुणमात्मिका माया क्षोभ को प्राप्त हला काल वृत्त्या तो मायायम गुण मध्याम अधोक्षज परमात्मा कौन कले चिन्मय निजर अपने अंश पुरुष रूप रे चिदाभास रूप बीज स्थापित कले अर्थात परमात्मांकर मायार संबंध रु चिदाभास है चलला चिदाभास रु अनेक सृष्टि हेला अर्थात परमात्मा प्लस माया एटा को मन रखते हैं बारंबार कह जाऊ परमात्मा प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर ईश्वर ही नेक्स्ट ही होचंती महत्तत्व बा हिरण्यगर्भ रे हिरण्यगर्भ वेदांतरे चेतना दृष्टि हिरण्यगर्भ ताको ही महत्तत्व जड़ पदार्थ दृष्टि जड़ दृष्टि महत्तत्व चेतना दृष्टि हिरण्यगर्भ केतले केमती ईश्वर हिरण्यगर्भ महत्तत्व एमती स्टेज रासे तेणु प्रथम हिरण्यगर्भ तापर महत्तत्व तापर अहंकार हला चेतन दृष्ट परमात्मा को ही आपको ईश्वर कहपर भाव आरंभ है कौन ना काल प्रेरणा सांख्य दर्शन कहा जाए वेदांत मध्य कहा जाए कि प्रकृति तीनोटी अवस्था थाए से प्रकृति रो जो तीनोटी अवस्था साम्य अवस्था कहते इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेट इन इक्विलिब्रियम तमन ता सुप्त अवस्था था क्षुब्ध है जा माने डिस्टर्बेंस है साम्य रो विषम अवस्था से क्षुब्ध अवस्था से क्षुब्ध अवस्था रे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रो तारतम्य आसे जेतरे सत्वगुण तमोगुण रजगुण तारतम्य आसे सृष्टि प्रारंभ हुए मायारू महत्तत्व प्रकट हो जाए एवं मिथ्या ज्ञान रो नाश पाई विज्ञान रूप सूक्ष्म रूप रे प्रपंच रो अभिव्यक्ति हो जाए 27 नंबर ततो अवत महत्तत्वम अव्यक्ता काल चोदिता विज्ञानात्मा आत्मदेहस्तम विश्वम व्यजन व्यजन स्तमून दह अर्थात श्री परमात्मा ठारु प्रथमे ही जाए हिरण्यगर्भ तापर महत्तत्व तापर तीनटी अहंकार है कि सृष्टि प्रारंभ है जाए सेटे चिदाभास सृष्टि है जाए चिदाभास गुण काल रो अधीन रे भगवान कर दृष्टि पड़ीवा परे विश्व रचना रो अनेक रूपांतर है जाए अर्थात परमात्मा एक एक रही अनेक है जाए टिक्के मजिरे कण एटा आपन को कठिन मध्ये गलान टिक्के मु भजन द्वारा बुझि दउ छी नाम रूप ने कहे परमार्थ सत्य एक है नाम रूप ने कहे परमार्थ सत्य एक है दृष्टि ज्ञानमय बने तसृष्टि भी मधोरा है राग देश निवृत हो प्रेम ही बस प्रेम है नाम रूप ने कहे परमार्थ सत्य एक है विविध कर्म कर विनर्त कर दे अर्पण ब्रह्म को प्रभु प्रसाद शुद्ध चित्त कर्म बंध से मुक्त हो द्रव्य जो कुछ है जगत में है सभी परमेश्वर का जान कर दे त्याग ममता ज्ञान है अद्वैत है नाम रूप ने कहे परमार्थ सत्य कहे नाम रूप अनेक कं परमार्थ सत्य एक एकमात्र परमात्र सत्य से जो परमात्मा से ही अलग अलग है चल से परमात्मा ही अनेक रूप रे आसी जाऊ चंदी
एनो केटा जानिबा दरकार तू ही तू जगह है तू ही तू जब है जगत में तो मैं कहां से आ गया तेरा ही सब है तो मेरा कुछ कैसे हुआ तेरी माया अति प्रबल है भेद जिसने ये किया मैं हूँ मेरा तुम तुम्हारा उलझा उसमें जगत सारा तेरी शरण में जो भी आए पार माया को वो जो पाए वचन सुनिए शरण आया अब कृपा कर पार करना अर्थात सब परमात्मा ही परमात्मा सब परमात्मा केवल परमात्मा ही परमात्मा है एटा ही जानिवा दरकार हमें कौन कहते विदुर आगू बढ़ला वचन शुण ताप सृष्टि को केमती तैयारी करते सृष्टि कर 29 नंबर देख महत्त्व विकृत हेबा पर अहंकार उत्पन्न हला अहंकार उत्पन्न हला जो कार्य कारण कर्ता रूप हला महत्त्वादि कुर्वाणा अहम तत्व व्यजायत कार्य कारण कर्त्रात्मा भूतेन्द्र भूतेन्द्रिय मनोमय कार्य होचि भूत शब्द देखंतु 29 कार्य होति भूत कारण होचि इंद्रिय औ कर्ता होचि मनोमय तापरे अहंकार तीन प्रकार हला ऑलरेडी हमें गीता रे मध्ये देखिसंदे सात्विक अहंकार को कहते वैकारिक राजस अहंकार को कहते तैजस और तामसिक अहंकार यहपर भाव सृष्टि है ये जो वैकारिक अहंकार सात्विक अहंकार मन अंतकरण है अंतकरण और अधिष्ठा इंद्रिय अधिष्ठाता देवता मध्य सात्विक तैजस अहंकार ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय 31 नंबर तैजसानिन्द्रियान्येव ज्ञान कर्मामयानि च तामसो भूत सूक्ष्मादात् आर्यत स्खं लिंगमात्मनः तैजस अहंकार रु ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय हला और तामस अहंकार सूक्ष्म भूत रु है कि ये जो पंचकृत पंच महाभूत पंच तन्मात्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि हला भगवान दृष्टि जो आकाश उपर पड़ला अर्थात सूक्ष्म से फिर काल माया चिदाभास जोगरे स्पर्श तन्मात्र तापरे वायु उपर पड़ला अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत है कि रूप तन्मात्र रचना करे एमती बुझ स्वामी अखंडानंद जी बड़ा सुंदर बुझा जन लोक बसीचे आपण मैंने बस बसचन मझेरे मझेरे पल अलग कथा कि किचन को गला कि पानी पीवा गला कि बाथरूम गला कि खाली टाइम बस बड़ा डिफिकल्ट तो जो बसुचंती ना आप आकाश तत्व अच्छा जो उठुं वायु तत्व अच्छी गतिमा सकाल सकाल दौड़ प्रवचन कहीं शुणु ना आगे वाकिंग प्रवचन बंद अच्छा जो दौड़ से अग्नि शरीर गरम हो जाए जल तत्व पसीना आ जाए पसीना जो जमाट हो जाए मली हो जाए गाधेला साबुन रे आम बाहर कर तेरे पांचटा तत्व उत्पन्न हो जाऊ आकाशादि भूत में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें क्रमश अपने पूर्व पूर्व भूत के गुण अच्छे जमीती आकाश रु वायु उत्पन्न है वायु रे आकाश गुण मध्य हो शब्द आकाश रुण कौन शब्द एणु वायु भितर शब्द हो फड़ 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 हो गोटे सिद्ध वाटर जमते छाऊ गच्छ सब अच्छे से बसत शब्द हो
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଟିଆଲାରେ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ହଉଛି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଏ ବାୟୁର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା କୋଉଠେ ନା ଆକାଶରୁ ଆଣିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଗୁଣଟା ଅଛି ରୂପ, ବାକି ଦିଟା ଯାକ ଅଛି। ବାୟୁର କଣ ସ୍ପର୍ଶ, କାରଣ ଅଗ୍ନିକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଗରମ ଲାଗିବ। ଅଗ୍ନିର ପଞ୍ଚଦଶରେ ବଡ ଡିଟେଲ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କାଠ ଦିଟା ରଖିଲେ ବା ଅନେକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ତ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଡ଼ା ଗଡ଼ା ଗଡ଼ ଫଡ଼ା 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 ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ସେ ହଉଛି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର। ଅଗ୍ନିରୁ ଆସିଗଲା କଣ ନା ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାର ନିଜର ଯିଏ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ହଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା। ତାପରେ ତିନିଟା ଯାକ ଅଛି, ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବହୁଛି ନା କୁଳୁ 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 ଶବ୍ଦ, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଳକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଳର ରୂପ ଅଛି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଗନ୍ଧ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱର ତା ନିଜର ହଉଛି ଗନ୍ଧ, ଆଉ ଚାରିଟା ଯାକ ଥିବ କଣ ଶବ୍ଦ। ମାଟିକୁ ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ, ଖଡ଼ 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 ଶବ୍ଦ ହବ। ଛୁଅନ୍ତୁ କଠିନତା, ପାଣି ଯଦି ମିଶି ଯାଇଥିବ କୋମଳତା, ତାଦି ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯିବ। ଅଗ୍ନି ମାଟିର ରୂପ ଅଛି, ଜଳ ତାର ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜ ସହିତ ଚାରଟି ରହିଲା। ଏଇଟା ହିଁ 36-37 ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୂତାନାମ୍ ନବାଦୀନାମ୍ ୟଦ୍ଭ୍ୟବ୍ୟାବରାବରମ୍ ତେଷାମ୍ ପରାନ୍ ସଂସର୍ଗାତ୍ ଯଥା ସଂଖ୍ୟମ୍ ଗୁଣାନ୍ ବିଦୁଃ ଏତେ ଦେବେ କଲା ବିଷ୍ଣୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା, ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ବା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଧିଭୂତ ଅଧିଦେବ ଏଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ଅଧିଭୂତ ଜଡ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ହିଁ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଧି ଦୈବ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଅଧିଦୈବ ସେମାନେ ସ୍ତୁତି କଲେ, ତା ସ୍ତୁତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରିବ ତ ପୁରା ପଢା ହବ, ଇଏ ପଢିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେମିତି ମୈତ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ହେଲା, ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ମୁଁ 22 ନମ୍ବର ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବାହାର କରନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର, ସେଇଠି 22 ନମ୍ବରରେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବି, ବତେଇବି କଣ ବତେଇବି, ସେ ଜ୍ଞାନ ତତେ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତି ପ୍ରାଣ ନିସ୍ତାରିବି, ସେ ହରି ଯୋଗ ମାୟା ବହେ ଏ ଲୀଳା ବିହାର ଶୟରେ, ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜରି ପାଳି ହରେ ଏ ରୂପେ ଯେବା କର୍ମ କରେ, ନାନା ପ୍ରକାର ରାଜା କରେ ଇଚ୍ଛାଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରେ ଇଚ୍ଛାଏ ସଂସାର ବିହରେ ସୃଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କଥାଟି କହିବି, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ଭଗବାନ ଲୀଳାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ଜନ ପାଳନ ହରଣ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲା ଶୁଣ, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ଆମମାନେ ଶ୍ରୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା କଣ ଥିଲେ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହଉଛି 23 ନମ୍ବର, ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଜ୍ଞାନ, ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ଭଗବାନ, କାରଣ ଏଇଟା ବେଦାନ୍ତର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟା ଯୋଉଟାକି ଆମ ମାନେ ଶ୍ଳୋକରେ 23-24 ଆଜି ଦେଖିଥିଲେ, ଭଗବାନ ଏକ ଆସେଦମ ଅଗ୍ର ଆତ୍ମାତ୍ମନାମ ବିଭୁ, 23ଟାକୁ ଏଇଟା ହିଁ 23ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା 23 ସେଇଟା 23, ଏଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ଭଗବାନ, ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା
माया मध्य तार देहरे ही लुप्त ही क्यों अच्छा साम्य अवस्था अच्छा किसी न देखे ज्योति शेष शक्ति तार दे प्राय सुख रहे ये शक्ति ज्ञान बड़े स्मरी अक्षण माया रूप धर सत सत आत्मा तार जे भावे निर्मित संसार से परमात्मा माया तंग भीतर थाए माया रूप धरिकी सत सत आत्मा तार जे भावे निर्मित संसार से माया मध्य काल रूप गुण गुण मये कपे पुरुष रूपे बीज थोई से बीज स्वयं प्रकाशई से परमात्मा निजे काल कर्म एवं पुरुष जीवात्मा चिदाभास तैयारी करके निजे ही तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत हे गले तापरे अव्यक्त मधु काल बले महत उदय निश्चले विलीन आत्मा देव गते निर्जय विश्व जते जेहु सकल पर काशे अंधार जेने रवि त्रासे से अंश गुण काल बंसे आत्मारु संसार प्रकाशे आत्मारु आत्मा गुण भगवान परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा जितने तंकर शक्ति थिला सेटा को से इच्छा कले प्रकाश कले कौन सो कामयता स कामयता ने इच्छा कले कौन इच्छा कले बहुश्याम प्रजा ये थी मु बहुत ही जीव मु बहुत अनेक ही जीव बोली इच्छा कले तापर सृष्टि कौन हैला ना ईश्वर हैले प्रथमे फर्स्ट स्टेज रे ईश्वर हैले अर्थात जितने इच्छा करदे से ईश्वर है ईश्वर है कौन कले हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ है पर कौन कले ना महत्त्व है महत्त्व अहंकार है 29 नंबर तार विकारो अहंकार तक्षण होई लवार कार्य कारण कर्ता देह भूत इंद्रिय मन 29 जान कार्य कारण कर्ता कार्य के देह कारण के भूत कर्ता के नहीं कार्य हो जी भूत तले कारण हो जी इंद्रिय और कर्ता हो जी मनोमय वैकार राजस तामश निरुते ते पाप प्रता प्रकाश यो जी अहंकार अहंकार तीन प्रकार वैकार हो जी सात्विक राजस फिर तामस राजस हो तेजस से पुणे विकार बड़े जल बुद्ध जने जले मन उपजिला तत्क्षण इंद्रिय देवताए पुण तेजस हेले इंद्रिय गण विज्ञान परम कारण तम उपजिला शब्द स्वर स्वरूप रस गंध ये पंच सूक्ष्म तापरे सात्विक अहंकार रु उत्पन्न हो गले किए कि अंतकरण राजसिक रु पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय अंतकरण और देवता सात्विक रु इंद्रिय देवता ए पूर्ण तेजसु हेले तन्मात्रा हले सूक्ष्म तम तमस तमु पूजे तमु माने तामसिक शब्द स्टाइल रे लिखा है तमु तम माने तामसिक अहंकार रो तमु पु 31 रे देखो ना तापरे ए पंच सूक्ष्म गुणे मिसे सब दुगगन प्रकाशित से काल माया वंश जोगे विष्णु दृष्टि रसन पुराण गुण होई पवन प्र
पंच तन्मात्रारु आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी एवं तांकर जो अच्छी शब्द स्पर्श रूप रस गंध केमती तैयारी हला बुझौने हिमंत सृष्टि संचार अधिदेवता देवता ही गले समान सृष्टि ही गले एवं भगवान कर तो अंश से माने जानी पारिले नाही कोनो कोन करियो चेतना विखेप विकार इति निगण को जे धरि ब्रह्मांड सृजे न पार गई ओजन मु एमान को नेगी तो ब्रह्मांड तो सृजन कर परिवेनी को माने देवता माने को मान आम पाक इंद्रिय देदेल अध्यात्म देदेल भूत देदेल तो हबनी आम मान तो गोटे ज्ञान दरकार आम चेतन दरकार घर अंजलि सिरे दे भावे बोलती विष्णु चाही तापर से माने स्तुति करछन्ते आज्ञा ये स्तुति ता बहुत ही सुंदर अछि ताको हम देखिया कोन स्तुति देखो कोठी एबे ओरिजिनल संस्कृत श्लोक जान 38 देवा उचो नमामते देव पदारविंदम अपन मो सहित स्पीड अप रे जीव पड़ो जगन्नाथ दास बही रखिबे ओरिजिनल बही संस्कृत रो बाहर करे कोन कहउछन्ति देवता माने वर्तमान उत्पन्न हे गेला परे से माने स्तुति करछन कोन नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमातपन्नम यन्मूलकेतायतयुञ्जसूरु संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति हे देव आमे आपणको नमाम स्मरण करुचु प्रणाम करुचु एवं आपणकर शरण रे आस्थिबा आमे माने आममनकर दुःख दूर हे जाउचि आ जहार आश्रय लेना परे ए संसार दुःख रु दूर हे जाउचि संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति अपने ही दूर कर दियंति धातर यदस्मिन् भवैष जीवाः तापत्रयेणोपहतान शर्म आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवंग्रि छायां सविद्यामताश्रयेम मुनिजन एकांत रे कौन कहउछन्ति कि जहार चिंतन करके आपण को अनुसंधान करती एवं आपण को अनुसंधान करके आपण को अनुभव करती जमी पापनाशी नदी रे नदी रे श्रेष्ठ होचंदे गंगा नदी सेमती आपणकर पावन समस्त देवतांकर श्रेष्ठ आपण महादेव परमात्मा आपणकर ही आश्रय नियंते प्रपन्ना मार्गन्ते यन्ते मुख पद्म नीडैहि मुनि जन माने आपणक ही प्राप्त करन्ति सच्छन्द पर्णैर सयो विविक्ते यस्यागमर्षो दशरिद्वराया पदं पदं तीर्थ पद प्रपन्नाः फिर आमे आपणक शरण रे काहे कि जाउछु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें आपण को शरण रे जाऊछु यत्श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या कहते आपण को भक्ति श्रद्धा करुचु एवं श्रुत भक्त्यार दीटा अर्थ दौने प्रथम अर्थटा जानता आम आपण को चरण कमल रे आश्रय नौ जहारो श्रद्धा एवं कीर्तन द्वारा भक्ति रे अंतकरण रे ध्यान करके वैराग्य पृष्ठ हो जाए एवं वैराग्य द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो जाए एवं आपण को पाख को हम मन टी चली जाए वर्तमान कौन कहते ये सेकेंड अर्थ हो श्रद्धा यश्रद्धया श्रुत्यवत्या च भक्त्या संसृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः व्रजेम तत्तिङ्घ्रिसरोजपीठम् श्रद्धा सहित
श्रुतवती भक्ति का अवधान कर अर्थ आर दिटा देख श्रुतवती माने गोटे हूँ श्रवण अर्थात श्रद्धा सहित तो बारंबार श्रवण कर था ये कह मु तो 20 वर्ष पूर्व शुणी बहुत लोग आज्ञा से केवल गोटे ही जमी बुढ़ा लोक जान थे ना अरे तमें कौन गोटे दी चमच घी हजम कर पार न आम तो पूरा गोटे किलो हजम कर दौल जम्ब मान भी कहले अरे मु तो पूरा तीन थर एम धरिकी बुलिक परिक्रमा कर किंतु आउ बुढ़ाई कर पारे एमती सब कह अच्छा आम 20 वर्ष 50 वर्ष पूर्व स्वामी चिन्मानंद जी को शुणी देचु विवेक चुड़ामणि शुणलु डायरेक्ट आउ दरकार नहीं शुणा देखते भागवत कौन कह जदि दरकार नहीं ताले समाधि स्थित रहा दरकार ना समाधि स्थिति शरीर स्थित रोचे जिते आम शरीर मन माने जिते बयस होते शारीरिक प्रति शरीर तादात्म्य रोचे ताले प्रमाण कौन आम साधन बढ़ुचु मत भुवनेश्वर रे रघुनाथ मंदिर जो यूनिट 5 रे सत्संग हला प्रवचन पूर्व पहुंच गल मत कह जाता 12 बेले पहुंच ठीक 12 बेले पहुंच गल एक्जाक्ट 12 बेले 12:30 रे भोजन अच्छे 1:30 बेले प्रवचन अच्छे रामचंद्र आदि कही जस्ट भेटे बहुत लोग देखी ना ऑनलाइन रे देखे किए भेटे किए प्रश्न पचारे गपसप कर रूम टा तो छोट था तेना मु डायरेक्ट पेंडल रे बस लोक भी बहुत लगे मुझे क्वेश्चन पचार तो जने पचारे बढ़िया जने माटे प्रश्न पचारे सुंदर प्रश्न केमिति ये जानिबा कि आमे साधना रे बढ़ुचु आपण साधना रे बढ़ुचंत केम जाने ना प्रतिकूल परिस्थिति विपरीत परिस्थिति रे मध्ये आपणको मनटा शांत हेतो शरीर प्रति तादात्म्य रहिबो नाही शरीर जो तादात्म्य पूर्वरे 50 वर्ष 40 वर्ष पूर्व बहुत डिमांड थिला वर्तमान धीरे 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 कमी गला केवल जस्ट शरीर एक्जिस्टेंस सत्ता पई रहउछि त जानंतु आपण साधना बढ़ुछि इमर्शन तंगर जो फॉरेन रे थिले से जंगल रे शेष बेल को जंगल रे बितौथिले जंगल रे गोटे फार्म हाउस कारण मुझे अनुभव करे जंगल रे फार्म हाउस के गोटे छोटिया कुटिया टे थो मु तो सप्त सद्या रे से घर देखी जो दरवाजा भी नथियो बाघ भी प्रवेश कर साप भी आसवे सबकि आसवे खट भितर साप भी आसते पल हर जन विचारक से आसिक भेटले ना किसी चिंता ना मु सब परमात्मा देखुच नहीं ज्ञान टा मिलला कौटे ना श्रीमद भगवद गीतार विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिच सोपाके च पंडिता समदर्शिना से सापन मध्य आत्मा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण रे मध्य गाई रे मध्य कुकुर मध्य चंडाल रे मध्य अर्थात से केवल पढ़ु नथिले प्रैक्टिस मतलब जीवन रही जाता प्रैक्टिकल ही जाता से किसी को नथिले एवं साप माने पड़े जाते अन्य माने बाघ माने आसिक पड़े जाते तेणु संभव सब किसी आमे साधना करुच बोले आमे प्रमाण कौन फर्स्ट प्रमाण होची आमर मनटा शांत रहिबो मनटा स्थिति रहिबो ए छोट छोट जिनस पय मनटा आमर कंप्लेन करिवो नै कि ढालानी से ढालानी से ढालानी नो कंप्लेन मन शांत यदि छोट छोट कंप्लेन करछे त माने ए पर साधना हेइनी सेकंड श्रवण या तो आपड़ी अधिकारी हो गले निजे कहे ना श्रवण जदि किए ज्ञानी अच्छा गुरु अच्छा शुणी चलन
जदि आपण अधिकार हो गले आपण कहि चले सेतमे शब्दटा अछि यश्रद्धया श्रुतवत्याच श्रुतवत्यार गोटे अर्थ होची श्रवण कंटिन्यू करथिबे द्वितीय अर्थ बहुत सुंदर श्रद्धा करिवे श्रुति अनुसार श्रुतवत्या माने श्रुतिवति श्रुतिवति माने श्रुति वेद शास्त्र अनुसार शास्त्र अनुसार पूजा शास्त्र अनुसार जप जड़े लोक कह मु कौन करी जप ये राम कृष्ण आदि कहीं करी एम तो अनेक संस्था अच्छे ना पति पत्नी बसथे बस पत्नी रुंडटा को शिखर देखु थे पति देखु पत्नी से शास्त्र लिखाई नहीं आगे जोटा शास्त्र नहीं से करूँ ना नहीं नहीं आम नुआ जिनस कर इनोवेटिव कर अरे इनोवेटिव विज्ञान रे जा शास्त्र ऑलरेडी इनोवेटिव कराई भागवत बढ़िया एत बड़ विराट ग्रंथ इनोवेटिव तैयारी से अनुसार चल आजे इनोवेटिव कर असुविधा पड़ जा ऋषि हेले तुम इनोवेटिव कर आम मैंने ऋषि नुह आम मैंने विषय पामर साधक मैक्सीम आम मान को इनोवेटिव आध्यात्म खेल दरकार ना शास्त्र जहाँ गुरु दीक्षा मंत्र दे देले से मंत्र नहीं जाओ निजे निजे भावने कि मुझे करी सेमती कर भूल यहाँ कौच श्रुति बत्या बड़ा सुंदर शब्द टा 41 नंबर रुंतु यश्रद्धया श्रद्धा कमी हबनी कम हबनी यश्रद्धया श्रुतवत्या दिटा अर्थ श्रुतवत मान श्रवण श्रवण कमी हबनी कंटिन्यू श्रवण चलती सेकेंड हूँ श्रुतवत्य मान श्रुति मान वेद शास्त्र प्रमाण अनुसार थी जो भक्तिया देखो तीन टा शब्द कहले आज्ञा गोटे हूँ श्रद्धा आ गोटे हूँ श्रवण आ गोटे हूँ भक्ति आ श्रद्धा और भक्ति को अनुसार जीव श्रुति अनुसार जीव जदि भक्ति करवा श्रद्धा करवा जप करवा साधना करवा श्रुति अनुसार जीव संसृज्य माने हृदय बधाय अर्थात संसृज्य माने हृदय अवधाय हमें हृदय रे आपणकर ही अंतकरण धारण करिया पई चाहौ आ कोन मिलिवो ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः अर्थात ज्ञान रो उत्पन्न वैराग्य पुष्ट ज्ञान द्वारा परम धीर हे जा ब्रजेम तत्तेंग्रि सरोज पीठम चरण कमल रे आपण सेई जो पीठ रे बसछले आउड होची आमे जो मठ पीठ रे चिंता करूछु कोचन चरण रो पीठ पीठाधीश कोन देले कोचन भगवान को पीठ रे ध्यान करो देवता माने केते सुंदर ध्यान करे ई 41 टा अंडरलाइन करो श्रद्धा भक्ति श्रुति श्रुति माने श्रवण आउड स्वस्ति होते शास्त्र एटा केबे हेले छाडीबा उचित नो ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः 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 आज 67 दिन आम क्रॉस कले 67 डेज श्रीमद भागवत महापुराण कथा रे क्राउड 450 रु 350 हेले 100 लोक समहाउ पटी जाइछन्ति तमी जी बार बार उदाहरण दे आसछन्ति को लोक माने कटन्ति तार कारण भी स्वामी जी कहिछन्ति जी आपण मैंने जानी थी बे
ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ଖୁସି ଭଲ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ। तत्व बुझीवाड़ा निहाजी दरकार। आज जो गंजाल समस्त पढ़ी जदि आमको ताही पाइबा को हम ताले भागवत गीता ही केवल आम पाखे पर्याय। महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु कृष्ण तादर आम चेष्टा कर जड़े रिक्वेस्ट कर सरला बोधे का सरीज का सरीगले आम सूर्यकांति हेमराम आम जन सेविका अच्छा सीए ए पूरा अध्याय आसंता का पाठ करेंगे शेष जो मान गायबा इच्छा अच्छी से मत फोन करें हौ चलत श्री जगन्नाथ सहस्र नाम रूप दे पार्वती उवाच केनोपायन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकम् पठते पंडित नत्यम सतुमिच्छाम्यहम् प्रभु। ईश्वर उवाच श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम् राम नाम बरानने। श्री राम राम रमे तीरमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम् राम नाम बरानने। श्री राम राम रमे तीरमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम् राम नाम बरानने। श्री राम नाम बरानन ओम नमो हरि ओ। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।